अस्सलाम वालेकुम, मैं राशिद अफीज इनोवा मार्केटिंग वाक एंड से। मलिक साहब, मैं हूँ मलिक सुहेल फ्रॉम इनोवा मार्केटिंग वाक एंड से। आज हम आए हैं सियालकोट मोटर बे सिटी। मैं मोहम्मद आसिफ, फोर पे मार्केटिंग और इनोवा मार्केटिंग टीम के साथ हम हाजिर हुए हैं आज सियालकोट मोटर बे सिटी। इस वक्त हम मौजूद हैं मेन चौक के ऊपर, जो सियालकोट मोटर बे सिटी का मेन चौक है। वहाँ पे इनोवा मार्केटिंग ने एक डील 5G के साथ एवा सिटी की अटक वो उठाई है, हाजी शाह रोड के ऊपर जो है। वहाँ पे हमारी एक इन्फॉर्मेटिव सेशन हुआ, जिसके अंदर हम मुख्तलिफ उन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया, और जब इस प्रोजेक्ट के बारे में उन्होंने डिस्कस किया और बताया कि ये प्रोजेक्ट डिलीवर हो चुका है और 1 ईयर में पोजेशन मिला है, तो दैट वॉज सरप्राइज फॉर अस। और हमने ये कहा कि वाई नॉट कि हम अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करने से पहले हम अपने आप को सेटिस्फाई करें कि जो प्रोडक्ट हम सेल करने जा रहे हैं उससे पहले इस कंपनी ने जो प्रोडक्ट डिलीवर की है वो मार्केट में उसकी वैल्यू आज भी जबरदस्त है। उस सिलसिले में हम यहाँ पे हाजिर हुए और जो ऑन ग्राउंड हमें चीजें नजर आई दैट वॉज अमेजिंग। और इससे पहले हमने बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटी विजिट की है, लेकिन एक साल के अंदर इतनी जबरदस्त डेवलपमेंट और पोजेशन इससे पहले हमने कभी नहीं सुना। छोटा सा रकबा है लेकिन अच्छा मैनेज हुआ है, और उनकी एक साल में जो पोजेशन है ये एक अच्छी उनकी खास बात है। तो 5G की जो क्लेम्स उन्होंने किए थे वो तकरीबन आप 90-95% हम कह सकते हैं कि उनके क्लेम्स राइट थे। तो हमने अच्छी प्रोडक्ट चूज किया है अपने क्लाइंट्स के लिए। तो राशिद साहब ने और मलिक साहब ने भी कुछ रिव्यूज लिए हैं यहाँ पे मौजूद मुख्तलिफ लोगों से, और यहाँ पे जो 35 के करीब डीलर्स बैठे हुए हैं उनसे भी। तो मलिक साहब थोड़ा सा हमें ब्रीफ करेंगे कि डीलर्स का क्या रिव्यू है कि पिछले कुछ अरसे एक साल के अंदर अंदर इस सोसाइटी ने क्या अचीवमेंट्स ली हैं। जी मलिक साहब, जैसा कि आसिफ साहब आपको अभी बता रहे थे, हमने और वहाँ पे इसका जो पोजीशन है, प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो इंक्रीज हुई है। ठीक है, यानी रिसेशन के वक्त भी इसकी वैल्यू डाउन नहीं हुई, जो डिक्लाइन नॉर्मल एक आता है वो है, लेकिन ऑन पे इस वक्त भी सोसाइटी के प्लॉट बिक रहे हैं। जी राशिद साहब, आपने सियालकोट विजिट किया तो आपको क्या डिफरेंस मिला, जो पुराना सियालकोट है और ये जो सिटी है, इस दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस आपको नजर आया? सर, सियालकोट में तो वही पुराने शहर के मोहल्ले, गलियां, छोटे छोटे तंग रोड, उसके बरक्स अगर इस साइड पे आते हैं उनको कंपेयर करते हैं तो कंपेरिजन बनता ही नहीं है। बनता नहीं है बिल्कुल। और मुझे लगता है कि जो सिटी हाउसिंग है उसको नियर में जो कंपेटिटर मिलेगा वो शायद यही सियालकोट मोटर वे सिटी मिलेगा। बिल्कुल जबरदस्त। और इसके करीब ही अगर आप बैकग्राउंड पे देखें तो मोटरवे भी नजर आ रहे हैं। ठीक है जी। और M11 एक गेट आप देख रहे हैं कि ये सामने है। ठीक है, और दूसरा गेट जो इन्होंने अभी, जी मलिक साहब यहाँ पे बता रहे थे कि कुछ लैंड इन्होंने ऑलरेडी परचेज किया और ईद के बाद कोई इनका एक्सपेंडिंग का है। जी सर, बता रहे थे कि हमारी कुल लैंड जो इस टाइम 1080 कनाल पे है। ठीक है, हम उसको आगे जो है ईद के बाद एक अच्छा जो है ना मजीद बड़ा एक्सपेंड करेंगे, और 2 गेट बता रहे हैं, एक मोटरवे के ऊपर और एक इसी के पैरेलल जो है वो रोड के ऊपर गेट देंगे, यानी 3 गेट इस सोसाइटी के हो जाएंगे। तो लैंड इन्होंने ऑलरेडी अक्वायर की हुई है, यानी इनका लैंड का कोई लांचा नहीं है। तो जो 6 क्लेम्स थे, पहला उनका था कि लोकेशन, वो तो हमने देख ली, लोकेशन बहुत अच्छी है, डेवलपर ने प्रोडक्ट डिलीवर भी की है, NOC इनके बिल्कुल जबरदस्त क्लियर है। उसके बाद इन्होंने जो इलेक्ट्रिसिटी अंडरग्राउंड दी है, आप कुछ सोचे कि हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं वहां भी अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो यहाँ इन्होंने अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी दी है जो कि फ्यूचर के अंदर बड़ी अच्छी है, और आपको जो तारों का झंझट नजर आता है वो कम से कम नजर नहीं आएगा। इसके अलावा इन्होंने पावर बैकअप के लिए भी कुछ प्लान्स किए हुए हैं, और वेस्ट मैनेजमेंट का जो प्लान है वो भी बता रहे थे कि वो भी इनका है, और ROS वाटर सप्लाई का जो पूरा सिस्टम है, क्योंकि अभी घर अभी बनना स्टार्ट नहीं हुए, कुछ विलास स्टार्ट हुए हैं, और हेड ऑफिस जो बैकग्राउंड पे आपको ये येलो कलर की बिल्डिंग नजर आ रही है, ये इनका फ्यूचर हेड ऑफिस होगा जहाँ पे ट्रांसफर वगैरह का सिलसिला यहाँ पे हुआ करेगा। तो ओवरऑल हम एज अ टीम मेंबर हम रिकमेंड करते हैं कि 5G ने जो प्रीवियस प्रोडक्ट है वो बहुत अच्छी डिलीवर की, और इंशाल्लाह अटक का जो प्रोडक्ट है वो सम अप टू 5G, और इंशाल्लाह हम मजीद मेहनत करेंगे और अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड करते हैं कि वो उस प्रोडक्ट के अंदर इन्वेस्ट करें एटलीस्ट 1 ईयर के लिए। 1 ईयर से पहले प्लीज मत सोचिएगा, इंशाल्लाह 1 ईयर मिनिमम टाइम है टू इन्वेस्ट इन एवा
सिटी रहो सोच से आगे रहो सोच से आगे।